हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर चले, समुद्र से हिमालय तक चले और लाखों लोग हमारे साथ चले। हर प्रदेश के लोग आए और भारत जोड़ो यात्रा में से एक बहुत सुंदर नारा निकला। एक लाइन में वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा किसी को भी समझा देता है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और मैं जानता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, अपनी जिंदगी में, अपने काम में इस लाइन का पालन करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम नफरत ना फैलाएं, हिंसा ना फैलाएं, मोहब्बत भाईचारा फैलाएं। आप देखो, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का, कार्यकर्ता का चेहरा देखो, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखेगा आपको। धक्का लग जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है, टांग टूट जाती है, तब भी आपको बड़ी सी मुस्कान दिखाई देगी। और बीजेपी का कार्यकर्ता होता है, उसको कुछ भी ना हो, वो ऐसे देखता है सबको घूर घूर के, खुश नहीं होता, मुस्कुराता नहीं है। उनके आप नेता देख लो, मोदी जी की फोटो देख लो, अमित शाह जी की फोटो देख लो, मोहन भगवत जी की फोटो देख लो, इंटरनेट पे देखो, गूगल सर्च करके अगर एक मुस्कुराती हुई फोटो दिख जाए मुझे भेज देना, मैं ढूंढ रहा हूं उसे। गुस्से में रहते हैं। जब हमने ये यात्रा पूरी की, पता लगा कि हिंदुस्तान का डीएनए मोहब्बत का डीएनए है। ये नफरत, इसमें नफरत है ही नहीं, इस देश में नफरत है ही नहीं।